So in today's day and age of AI, it's better to use AI than fight it. अगर आप उसे fight करना चाहोगे तो chances है कि आप बहुत पिछड़ जाओ and दुनिया आगे बढ़ जाए। इसीलिए मैं आज के वीडियो में लाया हूँ कुछ ऐसे कमांड, सीधी कमांड जो आपको अपने iPhone में यूज करने चाहिए ताकि आप अपने iPhone का यूसेज है वो एक ऑप्टिमम लेवल पे कर पाओ। सो आज के वीडियो में हम जानेंगे वो कमांड्स कौन से हैं। तो मेक श्योर कीजिए आप वीडियो एंड तक देखिए ताकि आप कोई भी कमांड मिस ना कर पाए। हाय गीक्स, मैं हूं समीर, यू गाइस आर वॉचिंग आई गीक्स ब्लॉग हिंदी। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो आप चाहे तो सिरी का यूज करके किसी को भी कॉल कर सकते हैं। कभी कभार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आपके हाथ थोड़े से गंदे हो रखे होते हैं एंड फिर भी आपको कॉल करना होता है किसी को इन एन इमरजेंसी, यू कैन यूज सिरी फॉर दैट। कॉल जतिन, आप सिर्फ कॉल नहीं कर सकते सिरी से, आप चाहे तो कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली थ्रू सिरी। टू डू दैट ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट आस्क सिरी टू डाउनलोड नेटफ्लिक्स ऐप। So as you can see, यहाँ पे सीरी ने Netflix का कीवर्ड सर्च कर लिया है इन App Store and over here all I have to do is just tap on this icon and Netflix download होना start हो जाएगा in my iPhone। तो सीरी सिर्फ आपकी app install नहीं करेगी in your iPhone, you can also change media or play media in your iPhone by using Siri। Play Waka Waka। Change the song। तो सिर्फ आप songs के नाम नहीं, in fact आप सिरी को कोई particular artist के गाने भी play करने को बोल सकते हैं। Play songs of Akon। तो सिर्फ आप App Store पे से जाके apps download नहीं कर सकते अपने iPhone में, बल्कि आप अपने iPhone की settings भी change कर सकते हो with the help of Siri। Activate do not disturb, deactivate do not disturb। तो सिर्फ आप अपने iPhone की settings को toggle on या off नहीं कर सकते, बल्कि आप अपने iPhone की brightness और साथ ही साथ audio levels भी set कर सकते हो using Siri। Turn up the volume by 20%, maximum volume, set volume to 0%, Turn down the brightness by 50%। So settings की हम बात ही कर रहे हैं तो आपको एक और चीज मैं बताता हूँ कि कभी कभार तो ऐसी सिचुएशन खड़ी होती है कि आपको सेटिंग्स ऐप में वो पर्टिकुलर ऐप में जाके कुछ ऐसा टॉगल ऑन या ऑफ करना पड़ेगा जिसमें काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, बिकॉज आपको पहले जाना पड़ता है सेटिंग्स में, वहां से जाते हो आप उस ऐप में, ऐप में जाने के बाद उस पर्टिकुलर सेटिंग में जाते हो, फिर उसका टॉगल ऑन या ऑफ करते हो। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि आप सिर्फ सिरी को बोल सकते हो वो पर्टिकुलर सेटिंग ओपन करने के लिए। ओपन सफारी सेटिंग्स। So, ये तो बात हो गई सेटिंग्स की, लेकिन आपको पता है कि आप अपने सिरी को एज अ ट्रांसलेटर भी यूज कर सकते हो। चाहे आपको मैंडरिन में बात करनी हो, स्पेनिश में बात करनी हो, तो जापानीज सिरी कैन डू एनीथिंग। हाउ वुड यू से हाय हाउ आर यू इन मैंडरिन? इन मैंडरिन चाइनीज हाय हाउ आर यू इज हाय नी हाओ मा। सो हैरी पॉटर के फैन तो आप भी होंगे, मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ हैरी पॉटर का, तभी आपके लिए एक ऐसा कमांड लाया हूँ, बेसिकली एक हैरी पॉटर का चार्म लाया हूँ जिसको यूज करके आप अपने सिरी से एक बहुत जादुई चीज करवा सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ सिरी को एक्टिवेट करना है एंड उसको बोलना है लूमोस। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लैश लाइट चालू हो गई है। ऑल्टरनेटली यू कैन ऑल्सो से टर्न ऑफ फ्लैश लाइट, इट विल बी ऑफ, टर्न ऑन फ्लैश लाइट and the light will be on। So basic command तो हर कोई use कर सकता है to turn on flashlight, but I know you are a true Harry Potter fan, तभी आपको बोलना चाहिए Lumos। Alarms and reminders, these are two basic things, लेकिन बहुत ही ज़्यादा important ये चीज़ें होती हैं because they help us to keep a track on our life routine। Siri आपकी help कर सकता है reminders and alarms set करने में, चलिए देख लेते हैं। So alarm set करने के लिए all you have to do is just activate Siri, set an alarm of 8 PM and here you go, alarm set ho jayega। Deactivate this alarm and you can also deactivate alarms easily। Wake me up after 20 minutes। As you can see, आप ऐसे कमांड्स भी यूज करके अलार्म लगा सकते हैं जहां पे आपको टाइम स्पेसिफिकली बताना नहीं होता। देखते हैं अब रिमाइंडर कैसे सेट कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अभी आप इस साइट पे हैं, लेकिन आपके पास टाइम नहीं कि इतनी सारी चीजें आप एक बार में कंज्यूम कर पाए. यू नीड टाइम फॉर दैट. ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट आस्क सिरी टू रिमाइंड यू आफ्टर 20 मिनट्स. रिमाइंड मी आफ्टर 20 मिनट्स अबाउट दिस वेब पेज. आपके साथ भी कभी कभार ऐसा हुआ होगा कि आप किसी कॉन्वर्सेशन में ऐसे फंस गए हो जहां पे आपको क्लैरिटी लाने के लिए उस पर्टिकुलर चीज की फोटोज दिखानी जरूरी हो जाती है. तो नॉर्मली आप जाते हो, सफारी ओपन करते हो, गूगल पे जाते हो, वहां पे सर्च करते हो एंड इमेजेस पे जाके वो पर्टिकुलर फोटोज निकाल के लाते हो एंड देन वो कॉन्वर्सेशन को शांत कर पाते हो. सो बट व्हाट इफ आई टेल यू कि सिरी आपके ये सारे झमेले को एक कमांड से सॉल्व कर सकता है. चलिए देख लेते हैं. सो मैं और मेरा फ्रेंड लड़ रहे थे कि भैया गोल्डन रिट्रीवर एक्चुअली दिखता कैसा है. तो मैंने सिर्फ सिरी को बोला, शो मी फोटोज ऑफ गोल्डन रिट्रीवर. एंड हियर एज यू कैन सी, यहाँ पे काफी सारी फोटोज आ गई हैं. सिरी ने ऑलरेडी फेच कर ली है गोल्डन रिट्रीवर की फोटोज. सिर्फ गोल्डन रिट्रीवर्स पे नहीं, शो मी द फोटोज ऑफ लैम्बोर्गिनी डियाब्लो एंड हियर इट इज माई ड्रीम का लैम्बोर्गिनी डियाब्लो. यहाँ पे आप देख सकते हैं. तो सिरी काफी इजिली फोटोज फेच कर लेता है इंटरनेट से एंड आपको तुरंत लाके दे देता है रिजल्ट. फॉर एग्जाम्पल इफ आई जस्ट टैप ऑन इट तो यहाँ पे मेरे को फुल फ्लेज फोटो दिख जाएगी और मेरे को इस साइट के लिंक पे जाना है तो ऑल आई हैव टू डू इज जस्ट ओपन दिस टैप एंड वोला. सो ये तो बात हो गई कि जब आपको कोई सर्च रिजल्ट्स फेच करने हैं यूजिंग सिरी. बट व्हाट इफ आई टेल यू कि सिरी जो है वो आपकी फोटो क्लिक करने में भी हेल्प कर सकता है. वो कैसे? ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट प्रेस एंड होल्ड पावर बटन टू एक्टिवेट सिरी एंड आस्क टेक अ फोटोग्राफ एंड एज यू कैन सी सिरी ने यहाँ पे कैमरा ओपन कर दिया है एंड अब आप यहाँ से फोटोज ले सकते हैं. तो ये तो बात हो गई कि आपको जब फोटोज लेनी हो यूजिंग सिरी. बट व्हाट इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ योर डिवाइस? इन दैट केस आपको एक्टिवेट करना है सिरी को टेक अ स्क्रीनशॉट एंड वोला. यहाँ पे एज यू कैन सी सिरी ने स्क्रीनशॉट ले लिया है. ऐसी सिचुएशन में तो आप भी फंसे होंगे जब आप प्रॉपरली टेक्स्ट नहीं कर पा रहे होंगे अपने लव्ड वंस को, लेकिन कॉन्वर्सेशन इंपॉर्टेंट है. इन दैट केस सिरी आपकी हेल्प कर सकती है. टू डू दैट आपको वापस सिरी को एक्टिवेट कर लेना है. सेंड अ व्हाट्सएप मैसेज टू जतिन सेइंग हाय हाउ आर यू डूइंग. सेंड. सो ये तो बात हो गई व्हाट्सएप पे जब आपको किसी को मैसेज करना हो. बट व्हाट इफ यू वांट टू सेंड अ मैसेज यूजिंग एसएमएस या फिर आई मैसेज? कमांड सेम ही रहेगा. फर्स्ट यू हैव टू एक्टिवेट सिरी. सेंड अ मैसेज टू चिराग सेइंग हाय हाउ आर यू डूइंग. Send. तो अब कम्युनिकेशन की बात हो ही रही है तो एक और चीज मैं बता देता हूं कि सीरी जो है वो आपके अनरेड ईमेल्स भी पता लगा सकती है कि कौन से आए हैं, कितने आए हैं और कहां से आए हैं, उसका कमांड क्या है. चलिए जान लेते हैं. सो फर्स्ट यू हैव टू एक्टिवेट सीरी. बट ऑब्वियस, डू आई हैव एनी न्यू मेल सीरी? एज यू कैन सी सीरी ने मेरे को यहाँ पे जितने भी नए मेल्स आए हैं वो सब बता दिए हैं. सेकेंड कमांड जो आप यूज कर सकते हो, चेक माई मेल्स. एंड फिर भी सेम कमांड सेम रिजल्ट आएंगे एंड यहाँ पे आपको दिख जाएंगे जो जो आपके नए मेल्स आ रखे हैं. सिमिलरली आप टेक्स्ट के लिए भी सीरी से ये चीज पूछ सकते हैं. डू आई हैव एनी न्यू टेक्स्ट? यू हैव न्यू मैसेजेस फ्रॉम जाजी 6 एंड एट डीएल फिलिन. So last command पे हम आते हैं अब और जो कि one of my favorite commands है, because जब भी मैं confused होता हूँ, किसी भी दो चीजों में अटका हुआ होता हूँ, मैं Siri को बोलता हूँ to help me out and Siri does it. वो command क्या है? चलिए देख लेते हैं. So in such scenarios आपको करना है Siri को active. Siri flip a coin for me. इट्स हेड्स. एंड यहाँ पे आपका जो भी कंफ्यूजन होगा या फिर डिलेमा होगा वो सारा सॉल्व कर देगी विद द हेल्प ऑफ अ कॉइन टॉस. ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट आस्क सिरी फ्लिप अ कॉइन एंड अगेन इट्स अ हेड. सो ये देखो जैसे कमांड्स जिसको आपको अपनी लाइफ रूटीन में यूज कर लेना चाहिए ताकि आपका जो आईफोन एक्सपीरियंस है वो एक नॉच अप चला जाए. यू नो व्हाट आई डिड देयर? नॉच, यू नो, यू नो.
डाउनलोड करो एंड यूज कीजिए एंड एंजॉय एवरीथिंग एप्पल कंटेंट। प्लस एक और चीज, हमारा वॉकी टेकी पॉडकास्ट है जिसपे हम एवरीथिंग टेक से रिलेटेड सारी बातें करते हैं। अगर आपको ऐसे पॉडकास्ट सुनना पसंद है तो प्लीज वॉकी टेकी पे जाइए, वहां पे सब्सक्राइब कीजिए एंड डू गिव इट अ लिसन टू आवर वीडियोस, ताकि यू नो थोड़ा सा ग्रो हम भी कर पाए। पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ। मैं लेता हूँ आप लोगों से विदा, मिलता हूँ अगले वीडियो में। टाटा, सिया, बाय।